14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जब ये CRPF कॉन्वे पे जो अटैक हुआ, हमारा म्यूज़िक टीम वहाँ पर था अजमेर राजस्थान में। तो मुझे लगा कि ये फ़ोन कॉल अगर मुझे आए और ये वीर परिवार अगर मेरे पिताजी, भाई, दोस्त या मेरे परिवार का कोई हिस्सा हो तो मैं इस घटना को कैसे देखूंगा। जो शहीदों के प्रति जो नमन है, मैं उनके हर एक घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूंगा और मातृभूमि के जो रक्षक है उनको एक नमन करके ये बोलूंगा कि आपका जो बलिदान है हम 140 करोड़ भारतीय के लिए है। बड़ा गर्व है कि मैंने आज तक 180 वीर परिवार के घर पे जाके 1,40,000 की यात्रा अपनी कार, उसके पीछे ट्रॉली है और 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र की मिट्टी मैंने अब तक जमा की है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम रहे ना रहे, ये भारत देश हमेशा रहना चाहिए। मैंने ऐसे भी वीर परिवार के पास गया हूँ जहाँ पर 3 महीने पहले उनकी एंगेजमेंट हुई थी, पूरा घर सज रहा था। मैं ऐसे भी वीर परिवार के पास गया हूँ जिनका इकलौता एक बेटा उन्होंने देश के लिए कुर्बान किया। मैं ऐसे भी वीर परिवार के पास गया हूँ जहाँ पर उन्होंने बोला कि उमेश जी, अगर मेरा पोता जब बड़ा होगा वह ज़रूर देश के लिए वर्दी पहनेगा। मैं हर एक वीर परिवार के पास जब भी गया हूँ, एक प्राइड एंड पेन का एक इमोशन था। उनके आंसू इसलिए थे कि उनके बेटे ने मातृभूमि के लिए रक्षा करते हुए जो बलिदान दिए हैं और वो तिरंगे में लिपट के आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मेरा माटी मेरा देश ये बहुत ही सराहनीय जो मुहिम स्टार्ट की है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर में, तो ये बड़ा एक गर्व की बात है। एक आम जनता को जोड़ने का जो प्रयास है इस मिट्टी से, मैं सभी हमारे भारतीय नागरिक को ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरा माटी मेरा देश, आप भी इसके साथ जुड़िए।